इस कहानी की शुरुआत होती है सपनों के शहर मुंबई से, एक्चुअली एग्जैक्ट मुंबई नहीं, उसी के पास थाने से। जब एक 18 साल का लौंडा अपने 3 दोस्तों के साथ निकल पड़ा था आगरा की तरफ। हाँ तो हमें ऐसा क्यों लग रहा है हम डायरेक्ट मुद्दे पे जा रहे हैं, तो कहानी को शुरुआत से दिखाते और चलते रिवर्स, चलते रिवर्स, चलते रिवर्स। हाय, हेलो, हेलो जी, तो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बोल सकते हैं क्योंकि अभी शाम के बज रहे 9:17, शाम मतलब रात, सोने नहीं जा रहे इसलिए गुड इवनिंग, ठीक है। बाकी हमें अभी पैकिंग करना है। पैकिंग हो गई, अब सच बताओ तो पैकिंग मेरी पहले ही हो चुकी थी, लेकिन शूट लेने के लिए फिर से खोल के, फिर से सब बिछा के, फिर से पैक किया, ठीक है। तो बता देता हूँ किसमें क्या है। इसमें है मेरे शूज, शर्ट, जीन्स और क्या हो, टी शर्ट होते हैं जो भी पहनने विनने का है। इसमें है मेरे सारे इलेक्ट्रॉनिक जैसे चार्जर, गोप्रो, स्पीकर, ब्लूटूथ वाला, ब्लूटूथ ईयर कॉर्ड्स और ब्रश, सॉक्स और छोटी मोटी चीजें, ठीक है। और एक चीज और कि सफर बहुत बड़ा होने वाला है, ठीक है, तो अंत तक रहिएगा, ठीक है, रहोगे ना। हाँ, तो मिलते सबके साथ। गाइस मैं भी जा रहा हूँ, मिलता हूँ 9 तारीख को। गाइस मैं भी 9 को ही मिलूंगा पक्का। चलो बाय, आप भी मिलो 9 को, अभी चलो। हाँ यार, तो हमें निकलते निकलते बज गए थे 11 और 11 बजे हमने कुछ ये देखा कि हमारे सभी दोस्त हमें अलविदा कहने आ चुके, तो हम भी सलाम दुआ करके उधर से निकले। तो यार अब हमारा आपसे एक सवाल बनता है यार, जरा गौर फरमाइए कि कोई भी इंसान जब अपने लंबे सफर के लिए निकलता है, ठीक है, तो वो कौन सा सफर करना पसंद करता है, मतलब एक्सप्रेस ट्रेन की ना, कि आराम से स्लीपर में सो के जाए। पर हमारा कुछ अलग ही था, हमने किया लोकल में सफर, तो इसका भी एक रीजन है, आप सुनिए हमारी कहानी हमारी जुबानी, देखिए। हाँ भैया जी, तो अभी सीन ऐसा है कि हम जा रहे हैं पहले थाने से कल्याण, अभी बहुत घाई गड़बड़ तो हुआ, लेकिन थाने से कल्याण क्यों जा रहे हैं वो चीज लेने के बाद बता, सरप्राइज, ठीक है, तो लेने के बाद वो चीज बताते। अब सच कहूँ तो आपका सरप्राइज सरप्राइज के नाम पे काटा जा रहा है। अब वो क्या था ना, हम इतना दूर जा रहे थे तो सोचे क्यों ना एक कैमरा लिया जाए, और उसी वक्त हमें एक अच्छे डील में एक अच्छा कैमरा भी नसीब हो गया, तो हम सोचे क्यों ना इसे उठा लिया जाए। तो उसके लिए थोड़ा चेकिंग वकिंग किए, फोटो क्लिक करके चेक किए और निकल लिए उधर से। हाँ यार, तो जो पीछे सारा तामझाम देखे वो था कैमरा के रिलेटेड, जो बोल रहा था सरप्राइज, तो सरप्राइज ये कि हमने लिया एक 700D कैमरा, हमने लिया मतलब हमने रेंट किया है, बाकी 3 बैटरी मिला है, 2 एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड मिला है। फिर इनको कितना टाइम है? 20 मिनट। हाँ, तो इन सब के बाद हम निकल पड़े अपने स्टेशन की तरफ। स्टेशन पे तकरीबन आधे घंटे के वेट के बाद हमें पता चलता है कि हम खड़े हैं स्टेशन के पिछले हिस्से में, और हमारा जो कोच है वो आने वाला है अगले हिस्से में। तो फिर क्या था, हमारी रेस शुरू। हाँ, तो तकरीबन 5 मिनट की रेस के बाद और तकरीबन 10 मिनट के सीट सर्च के बाद हमें अपना सीट नसीब हुआ। आवाज बहुत अच्छी, फाइनली सीट मिल चुका है, 4 सीट, मिडल, साइड अपर और अपर। अब सब एक एक जगह अपना शॉर्ट होके मूवी देखेंगे, क्योंकि अभी टाइम क्या हो रहा है, 12:30। घर पे सब लोग कॉल कर दो, 12:49, तो अभी घर पे कॉल करके मूवी टाइम मिस होते हैं, ठीक है। लाइट्स ऑफ कोई कर नहीं रहा, मैं ही बोल रहा हूँ लाइट्स ऑफ, सभी सुनने ही नहीं वाले हैं। लेकिन उसके पहले मिलते हैं कल सुबह, जल्दी उठेंगे, ठीक है, 6 बजे सन कल सुबह ट्रेन से सनराइज देखेंगे। ये जहां सो गया आसमां, सो गई है सारी मंजिलें, ओ सारी मंजिलें,
सो गया है रास्ता, सो गया ये जहां। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रॉम नेपा नगर। अब ये नेपा नगर नेपा नगर मध्य प्रदेश में कोई जगह है वो है, और आवाज़ थोड़ी अलग आ रही होगी क्योंकि नींद हुई नहीं बराबर। रात को सोए लगभग 3-4 बज चुके थे और सनी बहुत लेट से मॉर्निंग में 8:19 हो रहा है कि आज का दिन जोश वाला रहेगा। मैं गणेश और भीम उठ चुके, सनी अभी सोएगा दबा के क्योंकि वो बहुत लेट सोए। फिर ब्रश व्रश करते, फ्रेश होते, फिर मजा करते। हाँ जी, तो फुल फोटोग्राफी सेशन चल रहा है, बाकी बैग में साथ में लेके चल रहा हूँ कहीं पे भी, क्योंकि यार इसमें कैमरे से लेंसेज है तो इसको ट्रेन के अंदर रख के कोई रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। तो अभी खांडवा से निकलेंगे, अब जिधर नेक्स्ट स्टेशन रहेंगे उधर उतरेंगे। इसके अलावा बाकी सब बढ़िया है, खांडवा है, मज़ा आ रही है। बहुत लंबी लंबी ट्रिप से ये वाली जो टूर है 5-6 दिन की है, 7-8 ब्लॉक कंफर्म है, पर यार अच्छे ब्लॉग्स छोड़ूंगा, मज़ा आएगा आपको देखने में, ठीक है। तो देखो, नॉलेज लो, आप भी यार बैचलर ट्रिप की प्लान करते होंगे। यो, दिस इज़ आवर फर्स्ट बैचलर ट्रिप। गाइस, कल रात को मैं वीडियो एक अपलोड करके आया था, टुमारो आई विल गो टू आगरा, उसको अभी इधर से ही पब्लिक करते, बाकी एडिटिंग और अपलोडिंग सब घर से हो चुका था। सो इट्स टाइम टू पब्लिक। पब्लिक हो गया। अब फटाफट देखो वीडियो। हाँ तो यार, कब तक हम फोटोग्राफी करते रहते और हर एक स्टेशन पे उतरते रहते, तो अब समय आ चुका था ज़रा पेट पूजा का और आराम का, क्योंकि यार रात भर हमें जागना भी है तो आराम ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए, हाँ तो 5:30 बजे मूवी ख़त्म होने के बाद शाम हो चुकी थी, और शाम होते ही वो कहते हैं ना एस्थेटिक वाइब्स, वो वाली फीलिंग आनी चालू हो चुकी थी। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे गौर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। हाँ तो एक एस्थेटिक इवनिंग के बाद तकरीबन 8:30 बजे समय हो चुका था इसका। और इन सब के बाद आखिर में फाइनली, सो गाइस नाउ फाइनली इट्स टाइम टू गेट डाउन फ्रॉम द ट्रेन नाउ, एंड होपफुली सब एकदम सही से हो चुका, सही से पहुंच गए आगरा, मतलब अभी पहुंच जाएंगे, उतर जाएंगे, 10 मिनट और बचा है ना, 10 मिनट ना, फिर आपको आगे बताते आज क्या, अभी रात कैसे कटेगी, ठीक है, अभी आगरा में रात कैसे कटेगी, उस दिन से आगरा में उतर के।
व्हाट्सअप गाइस, क्या हालचाल। हाँ यार, तो फाइनली हम उतर चुके आगरा कैंट। अब इधर बोर्ड है, दिखाए नहीं दिखाने के लिए, पर इतना भरोसा कर सकते हो कि 24 घंटे का सफर करके हम आगरा कैंट ही आए होंगे। इसके अलावा दीदी को जरा चुप होने दो। हाँ जी, तो पहुँच चुके आगरा, ठीक है। तो उसके अलावा बाकी अभी हमें 4 घंटा इधर ही रुकना है, क्योंकि सुबह निकलेंगे जब थोड़ा सनराइज हो जाएगा, जब उजाला हो जाएगा। और इसके अगले वीडियो में, मानता हूँ ये वीडियो थोड़ा बोर हुआ होगा, थोड़ा हुआ होगा यार, क्योंकि दूसरों को ट्रेन में देखे क्या मज़ा आएगा, तो अगले वीडियो से थोड़ा ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। तो अगले वीडियो से ज़रूर आइए। अगर ये वीडियो कोई एक महीने बाद देख रहा है तो एक प्लेलिस्ट बनाया होगा, जाके चेक भी कर सकते हैं। कल हम जाने वाले वन ऑफ द बेस्ट, नहीं 7 वंडर्स में से एक वंडर्स में जाना है, ठीक है। तो मिलते कल सुबह, सनराइज का शॉट लेना है ना, तो सुबह 6 बजे निकलना। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। लड़के लोग में जोश देख रहे हो, मेरे तरफ से एक एक चाय, ठीक है। अब मूड तो हो गया, आप पिलाएगा नहीं। कल क्या ढूंढ रहे? घुनेरा ही है ना भाई। हाँ, घुनेरा का छून। हाँ, वही छून, समझ नहीं रहा। घुनेरा 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 ही है। रुक जो भी होगा। अभी आपने को क्या है कि हम लोग ने खाना लाया, पर पेपर प्लेट किधर ढूंढेगा? मैं ऐसा कर रहा था, वो मत डर, वापस कट कट